जय हिंद हमारे प्यारे सभी साथियों का, एबीसी हिंदुस्तान चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये बस स्टैंड है जहाँ पे ग्रुप डी के बच्चे आए हुए हैं। उनसे रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उनका किस शिफ्ट में पेपर है और क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या धार देकर आए हैं अपनी पढ़ाई में, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार। अरे हो गया आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए हम बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और किस प्रकार का संघर्ष उनका अभी तक का रहा है। उन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम पहले बात। और बस यही, हम लोग कल एग्ज़ाम है मेरा सेकंड शिफ्ट में। अच्छा। एक दिन पहले हम लोग आए हैं यहाँ। और सर, जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मतलब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में? 45 या 50 के लगभग क्वेश्चन अटैक कर सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपसे, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस आर्टिकल में होता है? सर ये नहीं पता। सर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन आर्टिकल 72, आर्टिकल 54, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 52। आर्टिकल 72 नहीं सर, आर्टिकल 72 तो नहीं है। चलिए सर, आपने प्रयास किया, उसका मैं सराहना करता हूँ। और भी बच्चे हैं जिनसे हम रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो अभी आराम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संगम कुमार। कहाँ से आए हैं सर? बिहार की माटी से। हाँ सर। भाई ये बिहार के शेर हैं जो ग्रुप डी के पेपर में गर्दा करने के लिए तैयार हैं लोग। अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, पेपर का धुआं तो करेंगे थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर होगा? हाँ सर, थर्ड शिफ्ट में। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान चैनल की तरफ से। आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा गया? आर्टिकल नंबर 18 अनुच्छेद 18 में, सॉरी अभी मालूम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से। कौन सा आर्टिकल 17 में क्या है? और 52 पूछे थे शायद। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में होता है? 52 में तो राष्ट्रपति एक होगा भारत का, ये फिक्स है। और 53 में है। 54 भी दिए थे। 54 जी जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और कैंडिडेट हैं जो अभी आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम क्योंकि उनका पेपर है थर्ड शिफ्ट में। तो साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थर्ड शिफ्ट में जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, रिव्यू लेकर के हम सबसे पहले आपके सामने आ जाएंगे। फिर मिलेंगे साथियों रिव्यू थर्ड शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।